हेलो एवरीवन, ये यूपीएचसी का 2021 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका सॉल्यूशन है। और ये 81 से 90 क्वेश्चन है और ये पार्ट 6 है इस वीडियो का। कार्बन साइकिल द आइसोटोप 6C12 स्प्लिट इन 12 अ पार्टिकल फ्यूज इन अनदर सी 6 12 न्यूक्लियस ऑफ 12 mg इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इन टू एनर्जी इज रीजनरेट एट द एंड ऑफ द साइकिल। वैसे हम कार्बन साइकिल देखेंगे तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है, इज रीजनरेट एट द एंड ऑफ द साइकिल। और नाइट्रोजन एट द एंड ऑफ में बनता है 17 नाइट्रोजन 14 प्लस गामा और कुछ एनर्जी और मिलती है 7.5 के करीब की। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 82 और वेवलेंथ लैम्डा करें एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी इक्वल टू द फर्मी एनर्जी गिवन बाय। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद करेंगे, थोड़ा लेंदी डेरिवेशन है ये। लैम्डा एफ इक्वल टू 2 ब्रैकेट में है पाई अपॉन 2n टू पावर 1/3। 83 क्वेश्चन है। ट्रांजिशन टेम्परेचर टीसी एंड क्रिटिकल टेम्परेचर एससी फॉर सुपर कंडक्टर आर रिलेटेड टू। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। एस सी इक्वल टू एच नॉट 1 - T अपॉन TC टू स्क्वेयर। और यहाँ एच सी क्रिटिकल फील्ड है टेम्परेचर पे, एच नॉट क्रिटिकल फील्ड है एब्सोल्यूट जीरो पे, और टी टेम्परेचर है और TC ट्रांजिशन या क्रिटिकल टेम्परेचर है सुपर कंडक्टर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अलाउड ट्रांजिशन फॉर एच बीटा लाइन इन 1/ लैम्डा इक्वल टू आर 1/(n1)² - 1/(n2)² इज। देखिए अलाउड ट्रांजिशन में बस इतना याद रखेंगे कि अगर हमें अल्फा सीरीज मिल रही है तो एल जो है या एन कह लीजिए 1 का चेंज होगा, बीटा के लिए 2 का चेंज होगा, गामा के लिए 3 का चेंज होगा। तो फर्स्ट केस में एन जो ट्रांजिशन एन टू और एन वन में 1 का हो रहा है, यहाँ पे भी 1 का हो रहा है, तो ये दोनों अल्फा सीरीज देंगे। 4 से 2 में अगर जाएंगे तो ये बीटा सीरीज देगा, अब 4 से 3 में जाएंगे फिर से अल्फा सीरीज देगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, यही बीटा लाइन देगा, ठीक है, बामर सीरीज की। इन हीलियम नियॉन लेजर लेजिंग एक्शन टेक प्लेस हीलियम हीलियम नियॉन बोथ आर्गन और नियॉन। तो हीलियम नियॉन लेजर मैंने इस डिटेल में वैसे लेक्चर भी है हम लोगों का, उसको भी देख सकते हैं। हीलियम जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करवाता है मीनियम को, बट जो लेजिंग एक्शन है बेसिकली नियॉन में होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, नियॉन में ही लेजिंग एक्शन होता है हीलियम नियॉन के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय रो बी इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी, रो बी इक्वल टू माइनस डेल पी ओवर डेल टी, रो बी इक्वल टू पी डॉट एन कैप और रो बी इक्वल टू पी वेक्टर या पोलराइजेशन वेक्टर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके लिए? यहाँ पे रो बी जो है माइनस डाइवर्जेंस पी के बराबर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, चार्ज करंट करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चार्ज जो है इनवेरियंस होता है, इनवेरिएंट होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 88 क्वेश्चन है। द लैग्रेंजियन ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल पोटेंशियल इज गिवन बाय एल इक्वल टू 1/2 mr² प्लस r² θ² - vr। द जनरलाइज मोमेंटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर एंड थीटा, अगर हम इसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एक एक एम आर डॉट और एम आर स्क्वायर थीटा डॉट आंसर होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो 89 क्वेश्चन है। द आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए 2, 3, xy आर 4 and 8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, ए में 3, 8 - 4, 10, 4, 10, 2, 7। तो इसको सॉल्व करते हैं। आइगन वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं, हमें मैट्रिक्स दिया है तो ए माइनस लैम्डा आई करते हैं, ठीक है। तो ए है हमारा 2 - λ3xy - λ = 0। इसको ओपन कर लेते हैं, 2 - λ into y - λ
माइनस 3x इक्वल टू 0। इसको ओपन करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, एक बार लैम्डा इक्वल टू 4 रखेंगे, एक बार लैम्डा इक्वल टू 8 रखेंगे। जब लैम्डा इक्वल टू हमने 4 रखा तो इक्वेशन बन गया माइनस 2y माइनस 4 माइनस 3x इक्वल टू 0। लैम्डा की जगह 4 रखा तो 2 माइनस 4 माइनस 2 आ गया, ये आ गया इक्वेशन 1। फिर हमने लैम्डा इक्वल टू 8 रखा तो ये आया माइनस 6 वाई माइनस 8 माइनस 3x इक्वल टू 0। आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई, सॉल्व करिए एक बार, माइनस करेंगे ये कट जाएंगे, जो आंसर आएगा वहां से y कैलकुलेट कर लेंगे और फिर x कैलकुलेट कर लेंगे, तो x आएगा माइनस 4 y आएगा 10। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 90 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, 0i i0, 0i माइनस i0, i0 0i, i0 0 माइनस i। तो हर्मिशियन के लिए ए आई जे इक्वल टू जे आई जे और बार, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। तो आई जे तो आपके सामने है 0i i0, आप क्या करिए इनके कंपोनेंट्स को चेंज करिए और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल पहला वाला करके दिखा देती हूँ। ए है आपका 0i i0, ठीक है, तो आई जे है ये, तो इसको जे आई करा तो जे आई में ये क्या बन जाएगा, 0i i0, तो ये रहेगा। जब इसका बार लेंगे तो मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, जे आई हो जाएगा 0 माइनस आई माइनस आई 0। ये दोनों बराबर नहीं है तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही बाकी ट्राई करिए, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लास्ट करते हैं, बस लास्ट 10 क्वेश्चंस और बचे हैं तो वो भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। और देखते रहिए, हैव अ नाइस डे।